डियर ग्लोबल कम्युनिटी, जाट और जंगली जानवर से जब जज्बा और जज्बात के साथ जीना सीखें। बी क्रिएजियस, बी ब्रेव, हौसला उन्मादी बने। हौसला आपसे करें सभी का। जाट और जंगली जानवर जज्बात से भरे होते हैं। छोटा सा पग नस्ल का कुत्ता अपने से 100 गुने बड़े विशालकाय शरीर वाले पास खड़े जानवर से कोई डर महसूस नहीं करता। रोरिंग एट हिम उसकी तरफ गुर्राता है कि चला जा, डर का कहीं नाम नहीं। ये मैं एक प्रकार से साइकोलॉजिकल डोज दे रहा हूँ। डिप्रेशन से दुनिया घिरती जा रही है। व्यापारी, अधिकारी, कर्मचारी, किसान बड़े गंदे आंकड़े पेश किए जाने सदनों में कि इतने किसानों ने आत्महत्या की। नहीं, जज्बात से जिए, इन बातों की परवाह न करें। लाभ और हानि, जीत और हार, ये किसी के दो पहलू हैं। किस बात का डर? मैं पूरी विश्व बिरादरी से प्रार्थना करूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि बुरा पढ़ने को सुनने को न मिले। परीक्षाओं में सफलता असफलता एक बहुत बड़ा जिंदगी का हिस्सा नहीं है, सामान्य सी तुच्छ बातें हैं। सबसे बड़ी परीक्षा जिंदगी की सफल उसको जीना है, इससे बड़ी परीक्षा कोई नहीं है। और इस परीक्षा में पास होने जरूरी है कि आपके पास जज्बात हो, हौसला हो। हरियाणा का एक कहता भी है कि मेरा हौसला जुलाने वाले जाट जैसे और फूल जैसा है जो गो किसी के हत्थों को तोड़ देते थे। जज्बात खिलाड़ी में देखने को मिलता है। खिलाड़ी खेलने से पहले अगर हार को अनुभव भी कर गया तो मजबूत खिलाड़ी, सशक्त खिलाड़ी धराम से गिर पड़ेगा। ऐसा हर क्षेत्र में होता है। तो मैं छोटे बच्चों से भी कहूँगा, बड़ों से और बूढ़ों से, कि दिल और दिमाग को बेकार में अवसाद से न भरें। भयभीत ना हो। बचपन में बच्चों को लोग इस तरह की बातें बताते थे, आज से 30 साल पहले, कि इतनी आबादी बढ़ेगी, रहने को घर नहीं होंगे और चलने को वाहन नहीं होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। संतुलित परिवार की अवधारणा और तरीके से समझाई जा सकती है। दानवता का प्रदर्शन करके नहीं, जज्बाती बने और अपने जज्बात को जीवन जीने के लिए काम में लें और उस जज्बे के सहारे आतंक और हिंसा फैलाने की कोशिश भी ना करें। मेरा सिर्फ प्रयास ये है लोगों को अवसादी जीवन से मुक्ति दिलाना। फ्री होम सोसाइटी प्रॉब्लम डिप्रेशन, खुशी से जिए और ये अवसाद नाम की बीमारी सदा के लिए विदा कर दें। लाइफ में कंपेटिविटी पॉजिटिव हो सकती है, हास्यात्मक हो सकती है, विनोदी भाव में हो सकती है, अवसाद पैदा करने के लिए नहीं होती। कई जमीन पर चलने वाले व्यक्ति उड़ने वालों से ज़्यादा अपने आप को खुश मानते हैं, सुखी मानते हैं और दौलतमंद मानते हैं। वो ये कहकर अपने आप का हौसला उन्माद से भर लेते हैं, खुशी से भर लेते हैं, जज्बात से भर लेते हैं कि पैदल चलने से स्वास्थ्य मजबूत रहता है
और इससे भोजन पाचन आसान हो जाता है, तो मैं उड़ने का शौकीन भी नहीं हूं। यही बात देखने में एक बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोदी ने कहा था, उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय पर टिप्पणी करते हुए, सॉरी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मैं इसमें थोड़ा सा संशोधन करूँगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोदी ने कहा था, पुलिस भर्ती कांस्टेबल भर्ती के लिए 10वीं की कुछ प्रतिशतता की शर्त रखी गई थी, जिसे थर्ड डिवीजन या तृतीय श्रेणी उत्तीर्ण आवेदक बाहर हो गए थे, थर्ड डिवीजन द कैंडिडेट्स पास्ट विद थर्ड डिवीजन देयर एग्जाम्स दे डोंट फाउंड एलिजिबल फॉर द सेड पोस्ट कांस्टेबल। जज साहब का आभार व्यक्त करूंगा, मैं बड़ा मजाक के लहजे में कहा कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश तृतीय श्रेणी उत्तीर्ण छात्र बन सकता है, तो सुरक्षा कार्य में लगा एक सिपाही को कहाँ अड़चन आ रही है, समझ से परे, और उन्होंने सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया, अनुचित ठहराया। ऐसी ढेर सारी बातें हमने पहले कहा था, चैनल मानव जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्रयासरत है, अकेडमिक और नॉन अकेडमिक दोनों तरह की शिक्षाओं को निःशुल्क रूप से संचालन करेगा, और पत्रकारिता भी जन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेगी। किसी नेता अभिनेता के पोस्टर बांटने का प्रयास हम नहीं करेंगे। 850 करोड़ का मानव समुदाय इससे लाभान्वित हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। धन्यवाद।